चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कौन कौन साथ आ रहे हैं ग्रह के? सभी साथ है जी इस क्षेत्र के। हाँ क्षेत्र के हिंदू और मुसलमान सभी साथ है। प्रदीप को तो कोई पूछता ही नहीं पिछले 5 साल में क्या करा उसने, क्या करा बताओ। एक रो तो देखे भाई जी होते ही धूम मचाओगी एकदम। भाजपा का ही था प्रदीप चौधरी भी जी, बीच छवि तो खराब ही कर रहे हैं ना। कुछ हमारी नजरों में तो कुछ नहीं आया क्योंकि हमने एक जिता रखी। मुसलमान गुजरों की उनका चौधर है, हिंदू गुजरों की मारा है। चाहे आप बीजेपी कह दो चाहे कांग्रेस, तो बात एक ही है फितना अपन को ही है। ठीक है बाद में को पिसना है। सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव बंडवा में हैं। गांव बंडवा का ये मेन हाईवे है और आज हम जो है लोगों से बात करते हैं चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में उनका क्या मानना है? प्रत्याशियों के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी से इकरा हसन को टिकट दिया है। वहीं अगर हम बात करें भाजपा से प्रदीप चौधरी को दोबारा से टिकट मिला है। तो हम लोगों के बीच है तो बात करेंगे से कि चुनाव को लेकर क्या लग रहा है इस बार, उनका क्या मानना है। जी भाई साहब आपका नाम? नदीम। अच्छा नदीम भाई जी कहाँ से हो? मल्लीपुर से। अच्छा कैराना क्षेत्र में ही आता है कैराना जी। तो क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? तीन तीन प्रत्याशी है, सिरपाल राणा है, बसपस है, प्रदीप चौधरी है। प्रदीप चौधरी तो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं जी जी। क्या लग रहा है इस बार? अरे हम जी एक राशन के साथ है जी। पहला कहाँ थे? पहले भी। अच्छा शुरू से ही करा। क्या मंत्री का मंत्री जी तो का फर्क है कुछ? मंत्री का टिकट हो जाता फिर मंत्री के साथ होते। अच्छा अच्छा किसी पार्टी से होते। हाँ तो ऐसा क्या लग रहा है जो आप प्रदीप को नहीं वोट दे रहे, एकरव को दे रहे हैं? प्रदीप जी यहाँ से आके देख कहीं नहीं एक बार भी जी। प्रदीप को पता ही नहीं आया कहाँ, अब तक भी नहीं आया। तो सिरपाल राणा भी आया उसको नहीं दे रहे फिर आप? जी उसके बारे में तो कोई अभी तक मालूम नहीं है ना यहाँ से कोई आया उसके बारे में भी। बाकी काम वाम कैसे हो रहे हैं यहाँ पे क्षेत्र में आपके भाई? कुछ नहीं हो रहा जी, काम तो यहाँ से मंत्री ने करवा रखा जी बस जी। आप मंत्री जी का जी? बाकी और मतलब आप देखो जैसे राशन फ्री मिल रहा है भाई, आप कैंडिडेट को ना देखे ऊपर की सरकार को देखे तो उसके कैसे काम आपको लग रहे हैं? नहीं काम तो चलो बढ़िया, राशन फ्री मिल रहा, लेकिन जो है जी अपने क्षेत्र के नेता के साथ रहना तो बढ़िया बात है जी। यह बात जी भाई साहब आपका नाम? सलीम नाम है जी मेरा। अच्छा सलीम भाई कहाँ से हो? मैं ब्रह्मखेड़ा से हूँ। अच्छा क्या लग रहा चुनाव में? तीन तीन प्रत्याशी आ गए, नामांकन भी हो गया भाई, तीसरा लगा क्या मेरे भाई? तो जो है अपना किरा चौधरी ही जीत पाएगी। अच्छा। अगर हमारे उससे होता मनीष का पर्चा तो फिर मनीष था, लेकिन अब तो प्रदीप को तो कोई पूछता ही नहीं। अच्छा। पिछले 5 साल में क्या करा उसने, क्या करा बताओ। एक सड़क दी थी उसका आज लोगों ने, उस पर आगे झांका नहीं आज तक। 5 साल में एक बार आने के बाद में वोट मांगने आया था, आज तक तो आया नहीं इधर को, तो कौन पूछेगा उसे, कौन वोट देगा? एक्सप्रेस ट्रेन तो बता रुकवा दी, यहाँ रुकवा दी खंडरा, हाँ रुकवा दी, कहीं रुकवा दिया, वो रुकवाने रेली रुकवा दी, जहाँ तो इंतरवा दें यहाँ से, इस सड़क नहीं बनवा पाई तो एक्सपीरियंस रुकवा के फायदा क्या होगा बताओ, होया कुछ फायदा? अच्छा भाजपा के खिलाफ हो या प्रदीप चौधरी का? नहीं प्रदीप चौधरी के खिलाफ है हम तो। अच्छा सरकार कैसी लग रही? सरकार तो ठीक है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो काम भी ठीक कर रही है। अच्छा। कुछ काम सही भी कर रही है, कुछ गलत भी कर रही है, पर वही बात है जी भाजपा का ही था प्रदीप चौधरी भी जी, बीच छवि तो खराब ही कर रही है ना कैंडिडेट, ये आते यहाँ से आते, जैसे पहले लोगों की समस्या सुनी थी उन्होंने, हाँ भाई करवाओगे काम करवाओगे, ये करवाओगे वो करवाओगे, क्या करा? कुछ भी नहीं करवा। अच्छा प्रदीप चौधरी को अनुभव है राजनीति का, इकरा हसन पहली बार लड़ रही है 2015 में जो है उन्होंने जिला पंचायती का इलेक्शन लड़, क्या वो उस तरीके से कर पाएगी काम? दादा पादा उनके दादा परदादा उनके बाप वे जो है सारा माहौल उनका बनता रहा है, उन्हें पता है भाई राजनीति कैसे चलती है, उन्हें पता है, नॉलेज है उन लोगों को। अच्छा अच्छा उम्मीद है, उम्मीद है भाई, वो सुनती भी है लोगों की समस्या, सुनती है घर घर जाती है, प्रचार भी करेगी अपना, बहुत अच्छे का काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है जी। अच्छा कौन कौन साथ आ रहे हैं ग्रह के? सभी साथ है जी इस क्षेत्र के। हाँ क्षेत्र के हिंदू और मुसलमान सभी साथ है उसके साथ जी। भाई साहब आपका नाम? मासूम है जी। कहाँ से हो भाई? मल्लीपुर से। अच्छा क्या लग रहा चुनाव में? तीन तीन कैंडिडेट हो गए, नामांकन भी हो गया, गठबंधन भी हो गया, 400 पार के दावे भी हो गए, पड़े हो जाए दावे दोगे तो भाई यहाँ तो एक लिखेगी। अच्छा हाँ मनीष का पर्चा होता मनीष लिखता युवा एक एक तरफा प्रदीप को नहीं जा रहे बस काम तो भाई नहीं चमका ही नहीं कभी। अच्छा हाँ एक रास्ता है उस पर सारे नहीं गया, आया ही नहीं गया सच में सा? बस जी आया ही नहीं भाई, बताओ जो आवेगा जी भी तो कहेंगे जी आया ही नहीं किस तक है। और इकरा में क्या देख रहा? इकरा तो देखे भाई जी होते ही धूम मचाओगी एकदम। अच्छा क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या काम हो जाएगा? काम सारे होंगे, काम कुछ नहीं रोकने का, एक रास्ता है उस पर जाइयो
और इसका जो है जाके देखियो बस। कौन सा रास्ता? ये है सामने जा रहा गाँव में रास्ता है, मेन रास्ता है गाँव के वाला जाने का रास्ता। कैसा है आप ही बता दो बस, जाके देखियो बस, हम क्या बता दो। गाड़ियों का टायर फटा है। अच्छा, ये खड़ी दो तीन गाड़ी टायर पट्टे हुए, नए टायर पट्टे खड़े इनके गाड़ियों के। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे जी? रोज गाड़ियों का टायर पट्टा है, माली पर खड़े का रास्ता मैन। अच्छा, जो रास्ता है ये बना नहीं, हाईवे नहीं बनाएंगे वो, ये बना तो दिया। अरे मेरे भाई दूर तो नहीं जाके तो देख ले। अच्छा हाँ, गाँव का सही गाँव का नहीं है रास्ता। हाँ, पहली बार फोटो में देखा शहरी उम्र हो गया, आज लो तो देखा ही नहीं। अरे जा आप तनी वर करो ने भेजा है वहां थे। अरे आदमी तो देखना पड़ा यार, आदमी ने तो पूछा है कि समस्या क्या है। ये तो फिर भी नो कह रहा है कि हम तो जीतने पड़े हैं। हां पेड़ तो एक काम करो, पांच गियर का पकड़ वालों ने समस्या सॉल्व करने का लग रहे हैं। कौन ये करता है? हमने क्या जरूरत पड़ रिश्ता है। हां जी भाई साहब, क्या हो गया, क्या बात होगी, क्या नाम? भाई सुनील है नाम। क्या लग रहा सुनाओ भाई, चुनाव में तो इकरे जीतेगी और कौन क्या होगा? अच्छा, तो कहते भाई प्रदीप का नहीं लग रहा मामला? प्रदीप का ही नहीं मामला कुछ भी। अच्छा। मारे यहाँ तो है नहीं। अच्छा। और चा कही वो तो कह रहे हैं हम तो जीतते पड़े यहाँ, चाहे 400 प्लस आवा का मामला। भाई 400 का तो पता नहीं हमने, भाई जो उसकी सोच होगी वह उसका अंधविश्वास होगा, लेकिन हमने तो लगता नहीं कोई। चलो प्रदीप को तो छोटो, सरकार तो बढ़िया है उसकी, सरकार अपनी जगह अच्छी है, तो फिर उसे चिताना तो सरकार के हाथ कम मजबूत करो। सरकार हमारी सरकार तो है देखो बच्चा, और मैं कराने वाले साफ सी बात। कौन से है ये यहाँ? यहाँ वीरेंद्र मंत्री दिसाड़ा। अच्छा, वो तो परसों मीटिंग में थे वहाँ योगी के साथ। दे हम उसके कहते वोट थोड़ा गिरा है, इतना उसका टिकट नहीं होता, किसी से भी नहीं देते हम। अच्छा, जो उन्होंने कह दिया भाजपा को दे दो फिर देने के नहीं। अच्छा ना, टिकट होता तो देते, टिकट होता उसका फिर देते। पक्की क्या लग रहा है? हमारी आई। अच्छा, इकरा भी तो हमारी है, मुसलमान है, मुसलमान की होती हुआ। अरे हमारी 84 में था, एक परिवार हुकम सिंह का, एक उसका, उसकी पोती तो हुआ। अच्छा, और दे रहे मुसलमान गुजरों की उनका चौधर है, हिंदू गुजरों की मारा है। अच्छा, तो अपने पास ही रखोगे सांसद भी? भाई हम तो अपने पास ही रखनी चाहेंगे जहाँ तक की उम्मीद है। प्रदीप भी तो गुजर ही है, रहने दे फिर, हमने क्या करना। मौका दे भी लिया और सबने देख भी लिया, और आप भी देख रहे, विरोध हमारे यहाँ नहीं है, विरोध उसके क्षेत्र में उसके वहीं पर है। अच्छा, वहीं पर जाके देख सको आप। तो यहाँ नहीं लग रहा कुछ है, कुछ हमारी नजरों में तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमने एक जिता रखी। तो कह रहे जाट भी साथ अलग है, रालोद की वजह से जाटों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता कुछ भी, किसी भी बिरादरी के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन वही बात है भाई, झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता है बड़े भाई, झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपस में झगड़े भी नहीं के हुए और यहीं भाग जाते हैं। अच्छा, ठीक है, हम किसी के बारे में गलत नहीं कहते। अच्छा अच्छा भाई, जो आदमी है आवाज़ उठाने, जनता की आवाज़ उठाने वाला चंद्रशेखर है। गठबंधन में सीट भी दी किने? अखिलेश ने। बेकूफ है ना? अच्छा हाँ, पक्के अगर यहाँ से कैंडिडेट आ रहा चंद्रशेखर का, फिर मैं तो वोटर पक्का भाई उसका। अच्छा हाँ, दुनिया लग रही मरण, कोई निवाज ठाता। कौन ठा रहा फिर? है वो ठवे वर्ड है, मुकदमे फिर में लगवा बैठा दूसरों की बाबत चंद्रशेखर। हाँ, अगर गठबंधन में आ जाता चंद्रशेखर, कितनी मजबूती मिलती से लागे? मैं इतनी जानता, मैं तो उसका फैन हूँ, अगर उन्हें टिकट दे दिया भाई मैं तो वोट उसके ही दूंगा। अखिलेश को नहीं दूँ है। अच्छा, हाँ को किसी से भी नहीं देता उससे दूंगा। अच्छा, हाँ काम क्या करते हो वैसे? ट्रक चलाते हो? अच्छा, ट्रक वालों के लिए अभी एक नियम आया था कि भाई हिट एंड रन का जो एक वो आया था कानून लेके है भाजपा सरकार, तो वो कैसा है ट्रक ड्राइवरों के हितों में? वो तो रद्द हो गया ना है? रद्द हो गया वो तो? नहीं, वो रद्द नहीं हुआ है, उस पर रद्द हो गया है आंदोलन करके। आंदोलन नहीं, अभी आया था ना पेपर में 1 तारीख, जो अभी पिछली 15 तारीख को रद्द कर दिया उसको अभी। लेकिन कानून कैसा था वो? दिक्कतें होती क्या होता? वो तो कानून ही बेकार था, अभी तो रद्द हो गया। अच्छा, तो सर अच्छा नहीं लाया कानून? बेकार कानून था, तो कोई के लिए भी पद में नहीं था। अगर आप लोग विरोध ना करते तो शायद कानून लागू हो जाता? कानून तो लागू कुछ कह नहीं सकते, चुनाव के बाद भी हो सकता है। अच्छा, डर है अब भी? डर तो सबको ही है गाड़ी। अच्छा, हाल फिलहाल तो रद्द है लेकिन। अच्छा, एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया पिछले 10 साल से सरकार है? क्या महंगाई किस तरीके से बढ़ी है? आमदनी कैसे आप कर पा रहे हो अपने बारे में? भाई साहब, मैं इस बारे में तो कुछ बोल नहीं पाऊँगा। अच्छा, महंगाई है नहीं है? महंगाई तो सब चीज़ में ही है। अच्छा अच्छा, डीजल के भी काफ़ी दाम बढ़े हैं पिछले कई सालों में, अगर हम देखें लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में हम बात करें तो 60-65 रुपये तेल था। सब कुछ बढ़ा है, महंगाई का सब कुछ ही बढ़ा है, डीएल गैस वगैरह सब कुछ बढ़ा है। और एक मजदूर आदमी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया वो तो सब देखेंगे देखेंगे जी, क्योंकि चाहे चुनाव हो या ना हो,
देश में नेता साले साले सब बेस्ट हैं, चाहे वोट किसको भी डाल दो एक ही ताली के चट्टे मट्टे हैं। मैं तो बताऊँ, चाहे आप बीजेपी कह दो चाहे कांग्रेस, तो बात एक ही है, पिसना अपन को ही है। ठीक है, आदमी को पिसना है, गरीब आदमी को, जो तो अपन को सोचना है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव बलवा में थे। बलवा में जो है मुझे जो मेन हाईवे था, यहाँ पे हमने ढाबे पर लोगों से बात की, अलग अलग गांव से लोग आए हुए थे, सभी लोगों ने चुनाव के बारे में अपनी राय रखी। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।